बहुत ये धन्यवाद है आप लोगों को, यूट्यूब चैनल वालों को, आप लोग पधारे हुए हैं, जो आपने यहाँ का सारा इतिहास और यहाँ के महंत से, अलग अलग संतों से आपने जो यहाँ का इतिहास के बारे में जानकारी की, यहाँ आप जो है आकर के यहाँ का रिपोर्टिंग आपने और यहाँ का ये सारा दृश्य लिया है, तो मैं यहाँ की तरफ से, चोपड़ा सरकार की तरफ से आपको बहुत बहुत मंगल कामना और यूट्यूब चैनल को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि ऐसे प्राचीनतम इतिहासों को आप जो है दूर दूर तक लोगों को पहुँचा करके उनको लाभान्वित करवा रहे हैं। ऐसे चैनल को हम लोग सब साधु संत महात्मा भक्त लोग मिलकर के बहुत बहुत आप आए हुए हैं उसको धन्यवाद और मंगल कामना करते हैं कि इसी प्रकार से आप जो है प्राचीनतम इतिहासों की गाथाएँ और कथाएँ ये लोगों को दूर दूर तक पहुँचा करके लाभान्वित कराते रहें। धन्यवाद आपको। सभी को नमस्कार, मेरा नाम है मोनू झा, आप देख रहे हैं मोनू के ब्लॉग्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। और आज हम आए हैं चोपड़ा सरकार धुरट, तो ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी अच्छा मंदिर है, तो यहाँ के बारे में हम आपको पूरी वीडियो के जरिए ये मतलब मंदिर दिखाएंगे, और यहाँ के जो मुख्य महंत हैं उनसे हम मिलवाएंगे और यहाँ की पूरी जानकारी हम आपको देंगे, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम महावीर शरण। अच्छा, तो आप यहाँ के मुख्य महंत हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ कब से सेवा कर रहे हैं? अभी करीब 8 साल हो गए। कितना? 7-8 साल। 7-8 साल हो गए। अच्छा अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के, धुरट के। धुरट के। अच्छा अच्छा, तो ये जो मंदिर है यहाँ के बारे में हमने काफ़ी सुना है, तो इसकी क्या क्या खासियत है, और यहाँ पे जो लोग आते हैं श्रद्धालु वगैरह, तो उनको क्या लाभ मतलब मिलता है यहाँ पे? यहाँ की खासियत पहली तो ये है, यहाँ केवड़ा का बाग है। अच्छा। हाँ, यहाँ केवड़ा पैदा होता है, सेंट बनता है केवड़ा का। अच्छा। इत्र वगैरह बनता है, कन्नौज के लोग आते हैं वो बनाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। सेंट वगैरह। अच्छा अच्छा, तो मतलब यहाँ पे ये कुंड है, उसके बारे में सुना गया था कि उससे क्या है चर्म रोग वगैरह ठीक होते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते? उसके बारे में नहाने से चर्म रोग है, कुष्ठ रोग है, सभी बीमारी दूर हो जाती है मंगलवार को स्नान करने से। अच्छा, मंगलवार शनिवार। अच्छा अच्छा, तो ये मंदिर मतलब कौन से देवी देवताओं का है? जी, हनुमान जी का है, चोपड़ा सरकार। हनुमान जी का है, चोपड़ा सरकार। अच्छा, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे कि हमारे जो व्यूअर हैं और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, वो लोग यहाँ पर मतलब आने की प्रयास करेंगे, तो उनके लिए क्या मतलब एड्रेस क्या है इसका? इसका एड्रेस जो है डिस्ट्रिक्ट जालौन। अच्छा। 8 पड़ता है। अच्छा। 8 से 5 किलोमीटर है धुरट। अच्छा अच्छा, तो 8 से 5 किलोमीटर पे है धुरट। जिला जालौन के अंदर। जिला जालौन के अंदर। जी महाराज, आपका क्या नाम महाराज जी? स्वामी अवधेशानंद जी। अच्छा अच्छा, आप? हाँ। बस पचोकरा धाम पड़ता है एट के पास। अच्छा अच्छा, आप यहाँ के बारे में कुछ कहना चाहते हो? बस दर्शन करने आते हैं, यहाँ की महिमा अपार है, जो कहने के लायक नहीं, हनुमान जी महाराज विराजे हैं। अच्छा। अनेक लोगों की अनेक प्रकार से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अच्छा, अच्छा। जो भी आते हैं और श्री हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करके वो प्रसन्न होके जाते हैं यहाँ से। अच्छा अच्छा, लगभग आप यहाँ कितने टाइम से आ रहे हैं? मैं 20 साल से आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। अच्छा, तो आपका क्या नाम महाराज जी? जी नंद किशोर नाम है मेरा। अच्छा नंद किशोर, आप कहाँ के रहने वाले हो? अमीठा है। अमीठा गेट के पास पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ पे क्या सेवा करते हैं? जी मैं इधर आता हूँ अपने 8-10 दिन महीना खंड रह के फिर चला जाता हूँ, बाल बच्चे वाला हूँ, पर तीर्थ धाम है। और ये भी सुना है मैंने कि यहाँ जो भक्त प्रहलाद और ध्रुव प्रहलाद थे, ये दो देवता थे अपने। अच्छा, यहाँ के देवता। अच्छा, थे, इन्होंने यहाँ तपस्या की है। अच्छा, ये ध्रुव नाम के नाम से सिद्ध है, ध्रुट जो नाम है। हाँ। वो ध्रुव प्रहलाद का नाम था। अच्छा अच्छा, उन्हीं की जन्मभूमि है और उन्होंने यहाँ तपस्या करी है। अच्छा। और भक्त प्रहलाद यहाँ से हटके है थोड़ा आगे चल के। अच्छा, हाँ। और तीर्थ धाम है, बब्बा है चोपड़ा सरकार, उनका ही राज है। अच्छा, पवित्र स्थान है। अच्छा, और सिद्ध धाम है, वो आप चल के देख सकते हैं हमारे साथ। अच्छा अच्छा, तो आपको जानकारी है लगभग ये मंदिर का निर्माण कब हुआ था? जगह का महत्व होता है प्रभु। अच्छा अच्छा, जगह का महत्व है, देवस्थान का ये तो कई वर्षों पुराना है। अच्छा, जी प्राचीन स्थान है, हमारे जन्म के और पूर्व जन्मों के पहले की कहानी है, भक्त प्रहलाद की ध्वज की कहानी और ध्रुव की ये नगरी है, ध्रुट नाम से सिद्ध है। अच्छा, उन्हीं का तीर्थ धाम स्थान है चोपड़ा सरकार, हनुमान जी बैठे, क्योंकि यहाँ ध्रुव जी ने प्रहलाद
अच्छा, ने तपस्या की, दोनों जने रहते थे। अच्छा अच्छा जी, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ के जो महंत हैं उनने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है, और हम चाहेंगे कि यहाँ पे और भी लोग हैं तो उनसे कुछ पूछा जाए और यहाँ के बारे में और भी कुछ जानकारी दी जाए। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बताएं जी, आपका नाम क्या है? अनिल कुमार सोनी। अच्छा अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? धुरट। धुरट के। अच्छा अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं आप यहाँ के बारे में? बढ़िया, हमारा स्थान है, जन्मभूमि है, सिद्ध स्थान है। अच्छा, पुराना स्थान है। तो यहाँ से, यहाँ पे आप मतलब कब से आ रहे हो? हम बचपन ही यहीं का है हमारा। अच्छा अच्छा, जन्म ही यहाँ है। और यहाँ पे क्या मतलब जो श्रद्धालु वगैरह आते हैं तो उनको क्या लाभ और क्या यहाँ की? आने से कुष्ठ रोग वगैरह दूर हो जाते हैं, जिस मनोकामना पूर्ण हो। प्रसिद्ध मंदिर है। अच्छा, हाँ इसके बारे में कुछ कहना चाह रहे? केवड़ा है ना, ये केवड़ा बाग है। अच्छा अच्छा, इससे क्या होता है? इससे स्प्रे, सैंड पाउडर स्प्रे और अगरबत्ती बनती। अच्छा अच्छा, अगरबत्ती जी। एक केवड़ा बाग है, ये सिद्ध स्थान, यही धुरप प्रहलाद की नगरी है। अच्छा, और तीरथ धाम ही चोपड़ा सरकार है। ये कुंडे आप चल के देख लीजिए यहाँ, और यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि हर एंट्री यहाँ दी गई है परिवार से, चट्टाने टाल लगी हुई है, चट्टान की मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि सिद्ध स्थान है। अच्छा अच्छा, तो ये जो कुंड है जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आगे चल के देख लीजिए। अच्छा अच्छा, चलिए फिर हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं और आप लोग ये कुंड देख सकते हो। और इस कुंड की खासियत ये है कि जैसे कि आपको कोई रोग वगैरह है तो आप लोग यहाँ पे आएँ और नहाने मात्र से ही ये रोग मतलब ठीक हो जाता है, ऐसा यहाँ का मानना है और यहाँ से ऐसा मतलब यहाँ के लोग बताते हैं। तो जी कुछ कहें? हमारा कहने का मतलब ये है प्रभु कि आप आइए, पहले सरकार के दर्शन किए। अच्छा अच्छा, सिद्ध स्थान है। अच्छा अच्छा, प्रहलाद और ध्रुव की नगरी है। अच्छा, जो अच्छा, देवता थे। तो चलिए आइए हम आपको सीधे दर्शन कराते हैं। गणेश जी हैं, थोड़ा जूम करके दिखाना। अच्छा, ये गणेश जी महाराज हैं। अच्छा अच्छा, चोपड़ा सरकार की जय। तो हम अभी मंदिर के जो मेन मंदिर है उसके जस्ट सामने खड़े हैं और यहाँ के जो महंत हैं और संत समाज हैं जो सभी लोग हैं हमारे साथ में, और मंदिर कुछ इस तरीके का बना हुआ है। तो आप थोड़ा इसको जूम करके दिखाएं, और मंदिर काफ़ी अच्छा है। तो आप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारा ये है कि हम आपको और भी दिखाएंगे, जहाँ से जल का संचालक हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ, भक्त प्रहलाद के और ध्रुव के तपस्या से, ये ध्रुव नगरी उन्होंने यहाँ तपस्या की है। अच्छा 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 अच्छा, चलिए हम आपको और भी दिखाते हैं, और मैन कुंड की जो महाराज बात कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो वो भी हम दिखाते हैं। अच्छा अच्छा, आइए मैन कुंड से निकल रहा है। अच्छा अच्छा, पवित्र जल है और पवित्र जल में हनुमान जी महाराज स्नान करते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे कि महाराज का कहने का मतलब ये है कि जो ये आप देख सकते हो, थोड़ा नीचे करके दिखाएं, और ये जो मतलब ये कुंड है, यहाँ से ही मतलब ये जो दूसरा हमने जो कुंड दिखाया हमने आपको बड़ा वाला, तो यहीं से जल निकल रहा है और यहीं से महाराज की कृपा है, तो यहीं से सभी लोग ठीक होते हैं, ऐसा कुछ कहना चाहते देख सकते हैं? मनोकामना पूर्ण होती है ना ये देख। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये मतलब जिसने भी, हाँ उनका नाम वगैरह कार्य से दोहरा भाव से। अच्छा अच्छा, आप और चल के देखें हमारे साथ में। अच्छा आइए, आप लोग वीडियो में बने रहें, और ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जी आप यहाँ देखो धार चल रही है। अच्छा अच्छा, ये केवड़ा बाग है जिससे अगरबत्ती बनती है। अच्छा अच्छा, इधर देखिए आप, इधर आन के देखो आप, ये निकल रहा है जल, उसी कुंड से निकल रहा है। अच्छा, जो आपने अभी देखा। अच्छा, ठाकुर जी के बगल से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ये देखो इधर, हाँ उधर से, इधर से लाओ, इधर से, इधर निकल रही है, वहाँ तक दिखाऊंगा। हाँ महाराज जी का कहना ये है, जो हमने आपको कुंड दिखाया है वहाँ से ही धार निकल रही है, और ये पवित्र जल है, इससे मूल कामना होती है, पूर्ण कामना जी। अच्छा, अच्छा, इनके जल स्नान से और पीने से, दर्शन करने से। अच्छा, ध्रुव की बहुत बड़ा भक्त प्रहलाद ध्रुव नगरी है, यहाँ से प्रहलाद ध्वज है करीब 7-8 किलोमीटर आगे चल के। अच्छा,
अच्छा, तो ये जो मतलब जो जल निकलता है ये मतलब बर हमेशा निकलता है जी? बराबर है? वो तो बराबर निकल ही रहा है। ये जो आगे पानी मतलब ये जो जल जाता है वो कहाँ तक? वो उधर जा रहा है और बेतवा गंगा जी और हैं, बेतवा हैं, वेदवती माँ हैं। अच्छा, तो उनसे धार वहीं पहुँच गई, यहाँ से जा रहा है और भी जमीन सींचते हुए मतलब जमीन फसल करते हुए। अच्छा, लोगों किसानों आगे और भी धार बढ़ी हुई है, किसानों की मतलब हेल्प करते हुए जी, हेल्प करते हुए वो यहाँ से वहाँ और उनका विकराल रूप होता गया, बढ़ता गया। अच्छा जी, और एक थोड़ा बाग है। और ये जो भी मनोकामना पूर्ण होती है वो भक्त अपने यहाँ आन के कामना करते हैं और पूजा पाठ करते। ये दो घाट हैं, वो मर्यादा सेठ हैं, ये पुरुषों के लिए और ये माता बहनों के लिए, महिलाओं के लिए जी। जी तो महाराज जी बता रहे हैं यहाँ के घाट के बारे में, तो ये जो हमने आपको घाट दिखाया है उस साइड का वो क्या है, वो पुरुषों के लिए और इस साइड का महिलाओं के लिए है। और यहाँ पे आप लोग आएँ ज़्यादा से ज़्यादा, और यहाँ पे जो भी आपको रोग वगैरह है अगर कोई तकलीफ़ है तो आप लोग यहाँ पे आएँ और इस कुंड में नहाएँ तो आपके रोग दर्द दूर हो जाएंगे और यहाँ का ऐसा मानना है जी। तो जी महाराज, और आप देख सकते हैं ये सब केवड़ा बाग है जिससे अगरबत्ती स्प्रे सेंट स्प्रे बनती है और मनोकामना पूर्ण होती है। जगह का महत्व होता है, फिर स्थान तो बनता ही रहता है। अच्छा, हम कहना चाहेंगे कि ये जो है आप बैक साइड में दिखा सकते हो कुछ इस तरीके से। हमारा चोपड़ा सरकार नाम से सिद्ध है और ये ध्रुव की प्रहलाद की नगरी है। भक्त ध्रुव और प्रहलाद थे जो देवता थे। अच्छा, हाँ सुना होगा आपने उनकी कहानी के बारे में। अच्छा महाराज जी, आपने ये जो जानकारी दी है वो जानकारी काफ़ी अच्छी है और लोगों को पता चला है। और हम ये कहना चाहते हैं जैसे कि ये जो मंदिर है, हर मंदिर की कोई ना कोई एक जुड़ी हुई कहानी होती है, तो उसके मुताबिक वो कहानी भी हम सुनेंगे बैठ के आप लोगों से। और अभी हम ये पूछना चाहते हैं जैसे कि ये मतलब जो मेला वगैरह लगता है हर मंदिर पर, तो इसका क्या मतलब डेट और टाइम है? सावन है, हनुमान जयंती है, दो हनुमान जयंती मनाई जाती हैं। एक वो होती है धनतेरस दीपावली के टाइम पे और एक ये अपनी बड़ो ये अपनी नवरात्रि चैत की नौमी को ठाकुर जी के जन्म के बाद नौमी के बाद हनुमान जयंती एक जी, और एक वो दीपावली के बाद जो हनुमान जयंती के पहले मनती, क्योंकि उस टाइम भगवान विश्वमान ने रूप रखा धनतेरस जमगंड के दिन और भस्मासुर को भस्म किया। अच्छा जी, उसके उपलक्ष्य में। अच्छा, क्योंकि विश्वकर जो भस्मासुर रूप भगवान ने दिखाया है और विश्वमान रूप दिखाया वो उसी टाइम के हैं, धनतेरस जमकंड दीपावली के। अच्छा, ये ऐसे और त्योहार तो ऐसा है प्रभु, ये धर्म करने अपनी मन की बात है, कोई भी आते मतलब कहने का मतलब कहने का मतलब ये है कि हाँ हो रहा है, आप देख रहे हैं भंडारा चल रहा है, सामने भोग भंडारे बन रहा है, यहाँ चलता ही रहता है मेला, मंगल शनिवार चलता है मेला। अच्छा अच्छा, तो यहाँ जो भंडारे की आपने बात निकाली है तो भंडारे का कैसा है, मतलब जो लोग आते हैं उनको भंडारा मतलब खिलाया जाता है? बिल्कुल बराबर बुला के बैठाल के बराबर खिलाया जाता है, क्योंकि धर्म तो यही है कि किसी आत्मा को खुश करना, यही हमारा आपका धर्म है। अच्छा, तो भंडारे का मतलब यही है कि मतलब रोज भंडारा चलता है, जो भी दर्शन करने आते हैं आप उनको भंडारा मतलब ऐसा खिलवाते हो? जी हाँ, होता है। और भंडा ऐसा है प्रभु, भोग तो बब्बा का लगता है, ठाकुर जी का हम और आप पाते हैं, क्योंकि उनका भोग जरूरी है, पर धर्म के अनुसार से जब कभी भंडारा चलता है तो खिलाते हैं। और सबके लिए यही हमारा कहना है कि धर्म अच्छी बात है हो, क्योंकि हम और आप धर्म के लिए आए हैं और धर्म की जगह है हनुमान जी चोपड़ा सरकार सिद्ध हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मतलब दीपावली है उससे पहले जो धनतेरस होता है तो उस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है और काफ़ी लोग यहाँ पे मतलब आते हैं और नहाते हैं और हनुमान जी को हनुमान जयंती को बब्बा का जन्मदिन मनाते हैं धनतेरस के दिन। हाँ अच्छा अच्छा, क्या नाम? दीपावली सुनील कुमार जी। कहाँ के रहने वाले हैं? धोरट के। अच्छा अच्छा, कब से आ रहा है आप यहाँ?
हम तो बचपन से ही यहीं हैं। मतलब गांव के ही हो? गांव के ही। अच्छा अच्छा, लोकल। अच्छा, तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि धनतेरस के टाइम पे यहाँ पे जन्मदिन मनाया जाता है? हाँ, जन्मदिन मनाया जाता है। उस टाइम पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है? बहुत भीड़ रहती है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी। और जो भंडारा वगैरह जो आपने बताया है तो वो पर डे का है? पर डे का है। अच्छा, कि मंगलवार का है? नहीं नहीं, पर डे का है। वो तो बब्बा का भोग लगता है, प्रतिदिन लगता है। अच्छा अच्छा, जो भी मतलब यहाँ पे श्रद्धालु और जो लोग आते हैं तो वो चलता रहता है? बिल्कुल, जिसको अपना बनाना है वो अपना बनाते रहते हैं, और जिसको यहीं का खाना है वो यहीं का खा लेते हैं। जो मंदिर की कमेटी के हिसाब से बनता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा, वो तो मतलब पर डे चलता है? पर डे। अच्छा अच्छा, तो यहाँ का रसोई घर मतलब वो कहाँ पे है? रसोई घर तो ऊपर है, वो अभी बन रहा होगा? नहीं नहीं, अभी तो बाहर है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे एक वो रामान हुई थी दो, तो उसका भंडारा है, वो बाहर से है। अच्छा, बाहर से है। लोगों ने श्रद्धालु लोगों ने किसी ने बोला? हाँ, तो उस हिसाब से है, उसी हिसाब से हो रहा है। बहुत ये धन्यवाद है आप लोगों को, यूट्यूब चैनल वालों को, आप लोग पधारे हुए हैं, जो आपने यहाँ का सारा इतिहास और यहाँ के महंत से, अलग अलग संतों से आपने जो यहाँ का इतिहास के बारे में जानकारी की। ये प्राचीनतम और ये दिव्य स्थल है, इस स्थल की महिमा अपार है। जो साधारण लोग आते हैं उनके अनेक मनोकामनाएं इस स्थल पर पूरी होती हैं। तो यहाँ आप जो है आकर के यहाँ का रिपोर्टिंग आपने और यहाँ का ये सारा दृश्य लिया है, तो मैं यहाँ की तरफ से, चोपड़ा सरकार की तरफ से आपको बहुत बहुत मंगल कामना और यूट्यूब चैनल को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि ऐसे प्राचीनतम इतिहासों को आप जो है दूर दूर तक लोगों को पहुँचा करके उनको लाभान्वित करवा रहे हैं। ऐसे चैनल को हम लोग सब साधु संत महात्मा भक्त लोग मिलकर के बहुत बहुत आप आए हुए हैं उसको धन्यवाद और मंगल कामना करते हैं कि इसी प्रकार से आप जो है प्राचीनतम इतिहासों की गाथाएं और कथाएं ये लोगों को दूर दूर तक पहुंचा करके लाभान्वित कराते रहें। धन्यवाद आपको।